फ्रेंड्स, आज हम स्टफन बैंगन मसाला बनाएंगे जो कि सबको पसंद आएगा। चलिए शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर कुछ बैंगन ले लिया है और इसे मैंने पहले पानी में भिगो के रखा है ताकि इसका जितना भी मिट्टी वगैरह है वो धुल जाए। इसके बाद डंठल के चारों तरफ हम थोड़ा थोड़ा कट के फेंक देंगे। इस तरह से देखिए, ऊपर से भी नीचे से भी मैंने कट लगाया। अब हम बैंगन को डीप कट करेंगे। इस तरह से थोड़ा डीप कट लगाना है, ये देखिए, ताकि अंदर कीड़े वगैरह है कि नहीं वो दिख जाए, या एक बार चेक कर लेना है। तो इसी तरह हमें सारे बैंगन को कट कर लेना है। ये देखिए, कोई कीड़ा वगैरह नहीं है। सारे बैंगन को मैंने कट कर लिया है और कट के पानी में डाल दिया था। फिर से हम धो के एक बाउल में निकाल लेंगे। इसके बाद मैंने एक पैन लिया। पैन में हम डालेंगे 1 चम्मच धनिया, 1 चम्मच सौंफ, 1/2 चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच भर के जीरा, 4-5 सूखा मिर्च, और इसे हमें मीडियम फ्लेम पर 2 मिनट तक फ्राई करना है। मेरे पास ऑलरेडी इसका मसाला पड़ा हुआ है, इसीलिए मैंने कम लिया है। आपके पास अगर बैंगन ज़्यादा है तो 2-2 चम्मच भर के ले। मसाला हो गया है, मसाला को थोड़ा ठंडा करने देंगे। यहाँ पर मैंने 3 मीडियम साइज के प्याज को इस तरह से बारीक काट लिया है, थोड़ी सी हरी मिर्च को चॉप कर लिया है, 2 टमाटर लिया है, इसे हमें पीस लेना है। मसाला ठंडा हो गया है, अब मसाला को हम थोड़ा दरदरा पीसेंगे। इसके साथ में हम लेंगे थोड़ी सी हींग, 1/4 चम्मच अमचूर का पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, थोड़ी सी गरम मसाला पाउडर। अब हम इसे पीस लेंगे। हमने इसे पीस लिया, सीधा एक थाली में ले लेंगे। इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी नमक, मिला लेंगे इसे, और इसमें हम डालेंगे ऑयल, मस्टर्ड ऑयल या राई का तेल 1 चम्मच। आप चाहे तो इसमें थोड़ी सी दही से भी मसाला को मिक्स कर सकते हो। अच्छी तरह हमने इसे मिला लिया है। इसके बाद बैंगन के अंदर हम इसे इस तरह से स्टफन करेंगे बैंगन को, और हाथों से थोड़ा इस तरह से दबा देना है ताकि मसाला बाहर ना आ जाए। इस तरह से दबा दीजिए मसाला को। सारे बैंगन को हमने स्टफन कर लिया है। मैंने ज़्यादा टाइम नहीं लिया ताकि वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए आप लोगों को फटाफट बता दिया है। सारे बैंगन को हमने देखिए अच्छे से स्टफन कर लिया है। इसके बाद मैंने एक भगोना ले लिया है और इसे पहले अच्छे से गर्म कर लेना है। फिर हम इसमें डालेंगे 2 बड़ा चम्मच मस्टर्ड ऑयल। बैंगन के सब्जी मस्टर्ड ऑयल में ज़्यादा टेस्टी होता है। फिर हम डालेंगे 1/6 चम्मच जीरा, थोड़ी सी अजवाइन, 2 छोटा इलायची, 1 टुकड़ा दालचीनी, 1/2 सूखा मिर्च, थोड़ी सी बड़ी इलायची, 2-3 लौंग और 1 तेज़पत्ती। 5-10 सेकेंड हमें इसे भून लेना है। इसके बाद हम प्याज ऐड करेंगे और प्याज को हमें हाई फ्लेम में अच्छे से फ्राई कर लेना है, या हाई टू मीडियम में रख के प्याज को हमें फ्राई कर लेना है। देखिए, प्याज हमारा अच्छे से फ्राई हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी हींग और 1 चम्मच हरी मिर्च, इसे भी हमें प्याज के साथ में थोड़ी देर भून लेना है। थोड़ी देर हमने इसे भून लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट और 1 चम्मच अदरक का पेस्ट, इसे भी हमें 2 मिनट तक अच्छी तरह भून लेना है, या जब तक कि ना अदरक लहसुन का कच्चापन चले जाए। अच्छी तरह हमने इसे भून लिया है। अब हम गैस को कम कर देंगे और 1/6 चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, 1/6 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ये तीखा बहुत कम होता है। अच्छी तरह मिला लेंगे। ऑयल गर्म है, ज़्यादा देर तक इसे भूनने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप इसे अच्छी तरह ऑयल के साथ में मिला लें। थोड़ी सी गरम मसाला ऐड करेंगे, या 1/2 चम्मच गरम मसाला, मिला लेना है इसे। बचे हुए बैंगन स्टफन का जो मसाला है वो भी हम इसमें डाल देंगे।
अगर आप मसाला से भून के बनाते हो तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। टमाटर को हमने पेस्ट कर लिया था, टमाटर डाल देंगे और इसे भी मिला लेंगे। जार को धो के थोड़ा मैंने पानी ऐड किया है। अब हम इस मसाला को अच्छे से भूनेंगे, साथ ही स्वाद के अनुसार नमक ऐड करेंगे, मिला लेंगे। मसाला को आप जितने अच्छे से पकाएंगे, हमारा बैंगन स्टफन मसाला खाने में उतना ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब हम गैस को कम कर देंगे और इसे ढक के थोड़ी देर पकाएंगे। थोड़ी देर के बाद हम ढक्कन को हटाएंगे और मसाला को चेक करेंगे। मसाला से देखिए ऑयल ऊपर आ गया है। इसे फिर से हमें इस तरह से अच्छे से मिला लेना है और मसाला में जितना भी पानी है उसे एकदम सुखा लेना है। भूनते भूनते मसाला देखिए अच्छे से सूख गया है और एकदम से ऑयल बाहर निकल आ रहा है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। थाली को धो के मैंने पानी ऐड किया है और एक कप पानी हम इसमें ऐड करेंगे। ज़्यादा पानी इसमें ऐड ना करें, बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है। पानी डालने के बाद मसाला को हमें अच्छी तरह मिला लेना है और एक उबाल आने देना है। उबाल आ गया है, अब हम इसमें बैंगन डाल देंगे। बैंगन को मैंने जानबूझ के फ्राई नहीं किया क्योंकि हमारा जो मसाला है हमने उसे रोस्ट कर लिया है। अगर आपका मसाला कच्चा है तो आप बैंगन को थोड़ा सा रोस्ट या फ्राई कर सकते हो, मगर कभी कभी बैंगन को फ्राई करने से बैंगन ज़्यादा गल जाते हैं और जो भी मसाला है वो बाहर आ जाते हैं। बैंगन पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। इसमें ज़्यादा चम्मच ना हिलाए, आप एक बार इस तरह से हिला सकते हो। अब बैंगन में उबाल आ गया है, इसे ढक के 5 मिनट तक पकने देंगे। 5 मिनट के बाद हम ढक्कन को हटाएंगे। गैस को हमें लो मीडियम फ्लेम में या मीडियम फ्लेम में रखना है। इसके बाद हम हल्का हाथों एक बार बैंगन को पलट पलट देंगे। हल्का हल्का ही करना है, वरना बैंगन के अंदर जितना भी मसाला है ना वो बाहर आ जाएगा। अच्छी तरह मिला लेना है। फ्रेंड्स, अभी तक अगर मेरे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। अब हम इसमें धनिया पत्ता ऐड करेंगे। हल्का हल्का धनिया पत्ता को मिला लेना है। धनिया पत्ता डालने के बाद हम गैस को लो मीडियम फ्लेम कर देंगे और इसे ढक के 5 से 7 मिनट तक पकने देंगे। चाहे तो आप एक दो बार इस तरह से हिला दीजिए बैंगन को, ज़्यादा चम्मच यूज ना करें। 5-7 मिनट के लिए ढक देंगे ताकि हमारा बैंगन जो है वो अच्छे से गल जाए। 5-7 मिनट के बाद हम ढक्कन को हटाएंगे। देखिए ऑयल पूरा ऊपर आ गया है और हमारा बैंगन मसाला बनके तैयार हो गया है। गैस को बंद कर देंगे और थोड़ी देर इसी में ही ढक के रखेंगे और फिर हम इसे सर्व करेंगे। फ्रेंड्स, स्टफन बैंगन मसाला आपको अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले। फिर मिलेंगे नए रेसिपी के साथ। आज के लिए बाय बाय।